अगर इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो हमारा सेंट्रल मास थोड़ा सा बॉटम की तरफ आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा, बॉटम की तरफ आ रहा है। देखो मान लो अब आप कोई इसका सेंट्रल मास किसी को निकालना हो, एक पीस तो हो गया हैंडल वाला और एक हो गया बॉटम वाला, है ना, ये दो पीस हो गए। तो बॉटम वाले में अगर मैं सेंट्रल मास को ओरिजिन मान लूँ तो इस जो ये वाला पीस है इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा X1, और इसका सेंटर X2 पर होगा जो बॉटम वाला है, ठीक है। क्लियरली X2 छोटा होगा, तो आप फॉर्मूला लगाओगे बेसिकली XCM जो होगा जो कि कितना होगा, 0 इक्वल्स टू M1 X1, है ना, -M1 X1 + M2 X2, ठीक है, upon M1 + M2, और ये आना चाहिए आपका 0। तो इससे आगे M1 X1 = M2 X2, यही आ गया। मतलब होता क्या है, जब सेंट्रो मास जहाँ पे होता है ना, ये सेंट्रो मास यहाँ हो गया तो इधर वाले हिस्से का M1 X1, ये M1 है, इधर वाले हिस्से का M1 X1 और इधर वाले हिस्से का M2 X2 बराबर होते हैं। अब क्लियरली X2 छोटा है और यहाँ X1 बड़ा है, तो यहाँ फिर M2 बड़ा होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट इसके बराबर हो। ये तो साफ साफ दिख ही रहा है ना, क्योंकि भाई अगर X2 को छोटा करोगे तो मास को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो इसके बराबर आ जाए, इसलिए M2 क्या होगा, बड़ा होगा, तो बॉटम पीस का मास लार्जर होगा। तो सेकंड ऑप्शन आएगा, बॉटम पीस का मास ये वाला पास होगा उसका, वो लार्जर होगा, ठीक है।